नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। स्टेट एग्जाम अपडेट को लेकर आप लोग लगातार कह रहे थे कि सर इस पर कुछ वीडियो बनाइए। अभी तक स्टेट को लेकर कोई उस तरह का नोटिस नहीं है, लेकिन यदि देखा जाए तो जिस तरीका से संभावना बन रहा है आपके एग्जाम में और विलंब हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखे होइएगा, बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक एग्जाम होगा, ऐसा कुछ संभावना नहीं दिख रहा है। क्योंकि स्टेट में 3.5 लाख विद्यार्थी हैं, लेकिन क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यदि कोशिश करे तो ले सकती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या स्टेट वाले का यदि एग्जाम हो जाता है तो जिस तरीका से अभी बीपीएससी तैयारी का एग्जाम कैंसिल हुआ है, क्या उनको शामिल करने का मौका मिलेगा? क्या इस तरीका से कभी अन्य एग्जाम में शामिल हुए हैं लोग, इस पर भी बातचीत करेंगे। कोई भी बातचीत होता है वो आंकड़े के साथ एग्जाम टूर के माध्यम से पेश किया जाता है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो चाहे आप रेलवे से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, या एसएससी से जुड़े हुए हैं, या कोई भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप एग्जाम टूर पर जरूर जुड़ जाए। दूसरी तरफ देखिएगा, बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और ये टेंशन में है कि उनका यदि अभी तक एडमिट कार्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप डमी एडमिट कार्ड देखे होइएगा। जिस तरीका से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 5 टाइम एडमिट कार्ड यानी डमी एडमिट कार्ड दिया गया, यदि एक ही बार दिया जाता, यदि एक बार देकर ही सब कुछ क्लियर कर दिया गया रहता और जो 4 बार देने का समय लगा उसमें एग्जाम करा लिया गया रहता, क्या अब इन लोगों को बीपीएससी तैयारी में मौका मिलेगा? या TRE-4 की कितनी संभावना है, इस पर भी बातचीत करेंगे। यदि TRE-3 में मौका नहीं मिलता है तो इनका भविष्य क्या होगा, इस पर भी बातचीत होगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आप क्या विचार रखते हैं स्टेट वाले विद्यार्थी? 3.5 लाख आप है लेकिन आप पर कोई ध्यान नहीं है। आप इस बात को समझिए कि आपका उम्र 21+ होगा, फिर भी आप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर ये क्या है? विद्यार्थी के तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। पक्ष भी इसलिए बोला जा रहा है कि उस समय सभी लोग लगे हुए थे जब TRE-3 की भर्ती दी गई थी, उस समय कोई अपना होड़ मचा हुआ था कि सत्ता मैं कैसे बचा लूं। विपक्ष लगा हुआ था कि मैं सरकार बना लूं, पक्ष लगा हुआ था कि मेरा सरकार बच जाए। लेकिन उसी बचाव में बिहार के विद्यार्थी का भविष्य नहीं बच पाया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नहीं बच पाया, तो अब विद्यार्थी को यह उम्मीद जगा हुआ है कि जिस तरीका से बीपीएससी TRE-1, TRE-2, TRE-3 जो फर्जीवाड़े की तरीका से आरोप लग रहा है, उसमें अब यह लग रहा है कि कहीं नए विद्यार्थी को मौका मिल जाए। क्या इस मौका विद्यार्थी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आखिरकार टीआरई अब विलंब होगा, TRE-4 आएगा भी नहीं आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे एक एक करके सभी पॉइंट। अभी स्टेट को लेकर बातचीत करते हैं, उस पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी स्टेट का कोई उस तरह का टाइम टेबल नहीं है कि आपका एग्जाम कब हो जाए। यदि अप्रैल की जो बात कर रहे हैं वो अभी भी 100% सही नहीं है, क्योंकि उस समय चुनाव चरम पर होगा। क्या चुनाव में स्टेट अभ्यर्थी का एग्जाम कराया जा सकता है? हाँ, तो कराया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं होता है। क्योंकि कोई वैकेंसी पहले होता है, पहले से यदि जो जारी नोटिस है तो उसका एग्जाम करा लिया जाता है। यदि अधिकारी चाहे, अभी जो भी पदाधिकारी हैं वो चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये कोशिश किया जाए तो आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन कोशिश कैसे होगा, इस पर भी विचार करिएगा। सक्षमता परीक्षा हुआ, उसमें 2,70,000 के आसपास विद्यार्थी आवेदन किए थे, ये बात शायद इसी आंकड़े पर आपको भी मालूम होगा। उसमें जब आंसर की जारी किया जाता है तो कई एक बार आंसर की जारी करने का मौका दिया जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो आंसर दिया जाता है उसमें बहुत सारा आंसर की गलत होता है। इससे पहले जब आप जाइएगा स्टेट 2023 की बात कीजिएगा, जब उस समय आंसर की भी दिया गया तो उसमें भी बहुत सारा गड़बड़ी दिया गया। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक ठोस तरीका से, एक अपना जो ये आंसर की देने वाले विशेषज्ञ है या शिक्षक है या जो है, उनको कम से कम एक सही डायरेक्शन में देखना चाहिए। कम इतना साधारण प्रश्न गलत हो जाता है जिसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का प्रतिष्ठा दांव पर लग जाता है। इस पर भी आनंद किशोर सर को विचार करना चाहिए। और दूसरी बात आपसे बता दें, अभी आपका एग्जाम अभी समय लगेगा, इसका कारण चुनाव भी है, इसका कारण सक्षमता का रिजल्ट नहीं आना भी है, इसका कारण अभी मैट्रिक का रिजल्ट देना बाकी है। इन सारे चीज को लेकर अभी समस्या है, अभी आपका एग्जाम में विलंब होगा, बहुत लोग ये कह रहे हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज से पहले कोई भी एग्जाम कैंसिल होता है, फिर एग्जाम लिया जाता है, तो उसमें आवेदन को करने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन जिस तरीका से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप TRE-3 में लग रहा है, क्या उम्मीद किया जाए कि विद्यार्थी को इसमें मौका मिल जाएगा? जो अपीयरिंग वाले थे या जो एज वाले थे उनको मौका मिल सकता है? जिस तरीका से अभी आप जाइएगा तो अभी इस एग्जाम में जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जिस तरीका से आयोग को सब कुछ इसमें जांच ना हो जाए, सबकी संलिप्तता के बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए, तब तक एग्जाम होने की संभावना नहीं है।
बहुत लोग ये वेट कर रहे हैं कि एस्टेट वाले को अगर इसमें मौका नहीं मिलता है तो TRE4 में मौका मिलेगा। अभी TRE4 की चर्चा नहीं होगी क्योंकि अभी उसमें और विलंब होने की संभावना है, ये नहीं हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी सोच रहे हैं कि अगस्त बोला गया है, कहीं उसको भी अगस्त में वैकेंसी दे दिया जाए और इधर इसको प्रोसेस में लगा जाए, ये संभावना है, लेकिन ये उतना संभावना नहीं है जितना आप अपने मन से सोच रहे हैं। बीपीएससी के कई सारे एग्जाम में देखा जा रहा है जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से बार कोडिंग लगने से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो जाता था, प्रश्न पत्र बाजार में बेच दिया जाता था, इन सारे चीज को लेकर अभी जांच होना बाकी है, लगातार जांच चल रहा है। इन सभी को देखते हुए आप विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इनको मौका मिल जाए तो अभी संभावना कम है। आपका एग्जाम जून जुलाई में संभावित लग रहा है, उसका कारण बहुत सारा है, मैट्रिक का रिजल्ट देना बाकी है, इंटर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी उनका जो भी विद्यार्थी हैं उनके द्वारा आपत्ति मांगा जाता है, किसी का अंक कम आ गया, किसी का अंक अधिक आ गया, या किसी का अंक किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो वो लोग देंगे। अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन सारे चीज में व्यस्त है, सक्षमता का आंसर की देखे हुएगा लगभग धड़ल्ले से किसी में 25, किसी में 20, किसी में 50 आंसर गलत दिया गया। यहां सबसे बड़ा हद तो ये हो गया कि बिहार में कितने जिला है ये भी गलत आंसर बता दिया गया। ऑप्शन के अनुसार सब कुछ देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब शायद कहीं इस बार संभल कर काम करे, क्योंकि 5 बार एडमिट कार्ड जारी करने से अच्छा है कि एग्जाम विद्यार्थी को करा लिया जाए। यदि आप भी चाहते हैं तो आप बिहार का इतिहास या किसी भी राज्य का इतिहास देखिएगा तो आपको एग्जाम कराने के लिए ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ता है, आपको एग्जाम कराने के लिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, आपको एग्जाम कराने के लिए किसी ना किसी माध्यम से वहां पे जाकर बैठना पड़ता है। क्या स्टेट एग्जाम कराने के लिए विद्यार्थी को इतना कुछ करना पड़ेगा या स्टेट का एग्जाम इसी तरीका से हो जाएगा? तो मैं ये आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो भी स्टेट के विद्यार्थी है, 3.5 लाख विद्यार्थी है, वह इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि एग्जाम हो जाए। और एग्जाम हो ही नहीं, TRE3 में यदि अब इस बार जो रद्द हुआ है उसमें कम से कम एक ऐसा प्रयास किया जाए ताकि विद्यार्थी, नए विद्यार्थी को मौका मिले, ये विद्यार्थी भी एक बार एग्जाम दे दे। तो अगर आप इस बातों से सहमत हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका एग्जाम हो, आप भी चाहते हैं कि आपको इसमें मौका मिले, तो कम से कम इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सक्षम अधिकारी तक जाए और उन सारे लोगों को इस बात को समझ मिले, संज्ञान मिले और आपका एग्जाम समय से कराएं। अप्रैल में चांस लगभग 50% है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम कराना अभी थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है। लेकिन एक तरफ देखिएगा तो ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, तो इसमें लग रहा है कि मिल जाएगा। लेकिन पिछला बार जिस तरीका से जिस एजेंसी को दिया गया था, जिस टाइप से कराया गया था, धड़ल्ले से आंसर की गलत आया, धड़ल्ले से प्रश्न गलत आया, इसको लेकर भी आयोग अभी थोड़ा सा संशय में है कि क्या किया जाए। अभी उस तरह का कोई सूचना नहीं है, जो आपको सूचना दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। यदि आपको एग्जाम टूर पर जुड़ना है तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, यहां से सभी खबर आपको सही और सटीक और सबसे प्रमाणित मिलता है, इस बात को आपको मालूम है। क्योंकि आप देखे होगा बहुत सारे विद्यार्थी ये भी आरोप लगा देते हैं कि सर आप ये जो वीडियो बनाते हैं उस पर व्यूज का कोई बात नहीं है, अभी रेलवे में चले जाइए तो आपसे कई गुना अधिक आवेदन पड़ा है, उस पर भी मैं वीडियो बनाता यदि व्यूज का बात रहता, लेकिन उनका सब कुछ जारी कर दिया गया, उनका कैलेंडर वगैरह बता दिया गया, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं जोड़ देता हूं। SSC में चले जाइए तो SSC का कैलेंडर वगैरह सब कुछ है, इसलिए मैं उस पर नहीं ज्यादा कर पाता हूं। BPSC में चले जाइए तो BPSC का कैलेंडर वगैरह सब कुछ है, इसलिए उस पर मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं। लेकिन स्टेट का कुछ नहीं है, स्टेट आवेदन लिए हुए आपके पास इतना बड़ा समय हो गया, अब तक एग्जाम हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, अभी तक आपके पेयरिंग वाले ही बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप जाइएगा बिहार SSC को लेकर, वहां भी कैलेंडर नहीं है, इसलिए मैं इन सारी चीज को बनाता हूं। इनसे बड़े बड़े वैकेंसी वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोग का बार बार कमेंट आता है, लेकिन उन लोग को बता दें कि उन लोग का सब कुछ फिक्स है कि अमुक तारीख को आपका एग्जाम होगा, इस समय आपका आवेदन होगा, तो इसलिए उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कम से कम एक नोटिस जारी करना चाहिए कि आखिरकार स्टेट का एग्जाम कब लेंगे, और स्टेट का यदि एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे, अभी विलंब लगेगा, इन सभी चीज को लेकर देखना चाहिए। और स्टेट वाले जो विद्यार्थी है, जो मेरे से बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि क्या अप्रैल में एग्जाम होगा, तो इसकी संभावना 50% है, अभी कोई नोटिस नहीं है। जय हिंद।